हेलो एवरी वन वेलकम टू आर हिप्स एजुकेशन फॉर एक्सलेंस आई एम रमेश निशाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास नाइन सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू रीडिंग सी अशोक राठौर्स फुटबॉल ऑस्कर एंड वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेशन सो लेट्स स्टार्ट अशोक राठौर्स फुटबॉल ऑस्कर ये लिखा गया है अलेक्जेंड्रिया बॉटन डिसोजा और आज इस लेसन में हम जानेंगे अशोक राठौर की लाइफ के बारे में कि कैसे और किस तरह से उन्होंने ऑक्सकर का निर्माण किया ये एक संगठन है और जिसका उद्देश्य है जो स्लम एरिया में जो पिछड़े बच्चे हैं उनको एजुकेशन की ओर उनको प्रेरित करना एजुकेशन में और साथ ही साथ उनको फुटबॉल के लिए प्रेरित करना सो so, आज के इस लेसन में इन्हीं के बारे में है अशोक राठौर के पिताजी का नाम शंकर राठौर है एंड अशोक राठौर इज़ द फाउंडर ऑफ़ ऑस्कर ये ऑस्कर के फाउंडर है क्योंकि इन्होंने ऑस्कर का इन्होंने निर्माण किया है ऑस्कर फाउंडेशन दैट ट्रेंड्स स्लम किड्स टू लर्न फुटबॉल एंड एम्पावर्स विथ लाइफ चेंजिंग लाइफ स्किल्स राइट एटीट्यूड बिलीफ सिस्टम्स थ्रू द कोर्स ऑफ गेम ही बिलीव्स इन एजुकेशन विथ अ कि और इस तरह से लाइफ चेंजिंग यानी लोग अपनी लाइफ चेंज करें जो बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं वो अपनी लाइफ चेंज करे अपनी स्किल डेवलप करे और इसीलिए उन्होंने ऑस्कर का निर्माण किया है ताकि वो एजुकेशन की ओर आगे बढ़े फुटबॉल की ओर आगे बढ़े एंड उनकी ये मान्यता है वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो शिक्षा है एजुकेशन है वो कीक से हासिल होती है यानी एजुकेशन आघात से मिलती है यानी जब किसी को ठोकर लगता है तब वो एजुकेशन यानी शिक्षा की वैल्यू को समझते हैं सो so, इस तरह से वो मानते हैं तो so, आज की जो लेशन है वो शुरुआत होती है एक जगह से और वो जगह है साउथ मुंबई की कोलाबा नाम के स्थान पर जहाँ पे गार्डन के पीछे संडे मॉर्निंग में काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हैं और वो जो लोग रहते हैं जो दो टीम हैं जो खेल रहे होते हैं उनकी जो जर्सी रहती है उन जर्सी में एक लोगो लगा होता है और उस लोगो में लिखा होता है ऑस्कर एजुकेशन विथ अ किक ऑस्कर का फुल फॉर्म होता है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जब दो टीम खेल रहे होते हैं फुटबॉल खेल रहे होते हैं तब अशोक राठौर क्या कर रहे होते हैं अशोक राठौर एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री ये सबसे बड़े रहते हैं उस जगह में और इनकी एज रहती है उस समय ट्वेंटी थ्री और ये शॉर्ट रहते हैं यानी हाइट इनकी थोड़ी कम रहती है और कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल होते हैं कि जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि वो कैसे किक करें कैसे वो फुटबॉल को किक करें और कैसे एक दूसरे को वो पास करें और इस तरह से वो चिल्ला रहे चिल्ला रहे होते हैं काफ़ी ज़ोर जोर से तो जो दोनों टीम के जो बच्चे हैं किड्स हैं वो इनकी इंस्ट्रक्शंस को काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं वो इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि ये उनमें से एज में काफ़ी बड़े होते हैं और इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं आगे क्या होता है जब वो जो गेम समाप्त होता है तो उस गेम का जो विनर होता है वो रहता है अनिल चौहान नाम का एक लड़का जो कि इसी के पड़ोसी रहते हैं एंड जो अनिल नाम का जो लड़का रहता है वो ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड रहता है और ये काफ़ी लंबा रहता है वेल well बिल्ड रहता है स्पष्ट रहता है और ये कहाँ से था अनिल चौहान ये था नियरली अम्बेडकर नगर के पास से रहता है और ये भी स्लम एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या है वो बारह हज़ार है एंड ये ड्रॉपड आउट है ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया रहता है और कुछ ही साल बाद ये पढ़ाई छोड़ दिया रहता है एंड अब ये जब काम करने लग जाता है हाउस कीपर की जॉब मिलती है बैंक में तब इनको रियलाइज़ होता है कि इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और इसीलिए ये पढ़ाई पे फ़ोकस करता है और ये कहता है कि हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं जानता हूँ यहाँ तक मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है बट मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लिया हूँ और मैं अब पाँचवीं कक्षा में हूँ तो अब ये पढ़ाई करने में लग जाता है और ये पाँचवीं क्लास में रहता है प्लस ये फुटबॉल में भी काफ़ी फ़ोकस करता है अब आगे बताते हैं अशोक राठौर के बारे में अशोक राठौर जब ये बच्चे थे जब ये बचपन में थे तब इनके जो पिताजी थे इनके पिताजी शंकर राठौर, वो काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं क्योंकि इनके जो बड़े बेटे रहते हैं और इनकी जो बड़ी बेटी रहती है यानी इनके बड़े भाई और इनकी बड़ी बहन वो पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाते हैं यानी वो पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं तो वो काफ़ी रिग्रेट फील करते इनके पिताजी और साथ ही साथ ये जो अशोक राठौर है वो भी पढ़ाई छोड़ने वाले थे बट इनके पिताजी के बार बार कहने पर इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसीलिए इनके जो पिताजी हैं वो सजेस्ट करते थे कि ये दूसरों की बातों को ध्यान ना दे क्योंकि दूसरे लोग पढ़ाई को उतना फोकस नहीं करते हैं वो कहते थे कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो और इसीलिए इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे अशोक राठौर जो है वो बताते हैं रिकॉल करते हैं पुरानी बातों को कि उस समय जो म्यूनिसिपल स्कूल है म्यूनसिपल स्कूल के जो बच्चे हैं जो किड्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते थे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे और ड्रॉप आउट हो करके वो कहाँ जाते थे सर्जन डॉक्स में जाते थे सजुन डॉक्स जो कि मुंबई के बिगेस्ट सबसे बड़े फिश मार्केट है और वहाँ पे ये जो बच्चे जाते थे पढ़ाई को छोड़ के स्कूल को छोड़ करके और वहाँ पे जो फीस रहते थे मछलियाँ रहती थी उनको वो चुरा लेते थे यानी टोकरियों से गिरने वाले जितनी भी मछलियाँ रहती थी मछलियों को ये लोग चुराते थे और चुरा करके के क्या करते थे चुराने के बाद उन मछली को बेच देते थे और वो जो पैसे मिलते थे उन पैसों से वो नशा करते थे जैसे सिगरेट पीते थे वाइन ले लेते ले थे या फिर जुआ वगैरह खेला करते थे अब ये जो बात है वो अशोक राठौर राठौर जो है उनके पेरेंट्स को जब ये बात बताते थे तो उनके पेरेंट्स क्या समझते थे कि हमारे बच्चे चालाक है हमारे बच्चे बुद्धिमान हैं सो इस बात को यानी जो चोरी वाली बात है उसको वो चालाकी समझते थे उनके पेरेंट्स चालाकी समझते थे कि ये हमारे बच्चों की चालाकी है बट वो चोरी चोरी ही है आगे जो है बताते हैं इन 2006 में जो अशोक राठौर है उन्होंने अपनी हाई स्कूल पास की और हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक जॉब मिली मैजिक बस की एक जॉब मिली जो कि एक मुंबई एन में एंड जब उन्हें जॉब मिली तब वो ऐसे एरिया में जाते थे गरीब लोगों की बस्ती में जाते थे उन्हें प्रोत्साहित करते थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि क्यों न मैं आसपास के बच्चों को अपने बच्चों को अपने आसपास के बच्चों को क्यों ना मैं इस तरह से उन्हें ट्रेनिंग कर दूँ और उन्हें मैं प्रोत्साहित करूँ सो so, इसीलिए लिए उन्हें सन्डे अक्टूबर 2006 को उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्हें एक बाल मिला उन्होंने एक बाल लिया और उस गेंद के द्वारा उन्होंने एक तरह से बच्चों को इन्वाइट किए इन्वाइट करने के बाद अट्ठारह बच्चे आए ताकि वो खेल सके फुटबॉल खेल सके गेंद से खेल सके एंड उन्होंने अट्ठारह बच्चों को उन्होंने क्या कहा कॉल्ड ऑस्कर उन अट्ठारह बच्चों के समूह को उन्होंने ऑस्कर कहा ऑस्कर मीन्स दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरह से उन्होंने ऑस्कर का निर्माण किया एंड देन आगे क्या होता है फैमिली प्रॉब्लम क्या फैमिली प्रॉब्लम क्योंकि जब उन्होंने ऑस्कर का निर्माण किया एक तरह से संगठन का निर्माण किया तो उन्हें थोड़ा से डर लगा अपने अपने पेरेंट्स को बताने में नहीं हिचकिचाहट हुई कि मैं कैसे बताऊं अगर मैं बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे मुझे फटकारेंगे सो इस तरह से वो डर रहे थे दूसरी चीज़ सोशल प्रॉब्लम आई सोशल प्रॉब्लम क्या आई कि एक बार क्या हुआ कि उनके इनके जो बच्चे हैं इनके संगठन के जो बच्चे हैं वो खेल खेल में फ़ेल हो गए स्कूल में फ़ेल हो गए तो इनके जो पेरेंट्स थे जो बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो इनके घर में आ गए इनके घर के पास आ गए गाली गलौज करने लगे बदतमीजी करने लगे तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आई क्योंकि इनको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इनके इनके जो फादर हैं उनको जब पता चला तब इनके फादर ने उनको वार्न किया कि ये अवेयर रहे ये जागे रहे लेकिन उस घटना के बाद ये और सजग हो गए इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया क्योंकि समस्या आती ही है क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही है सो so, इस तरह से ये सजग हो गए एंड इन्होंने क्या किया एनलिस्टेड द हेल्प ऑफ टू एन और इन्होंने टू एन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने सहायता ली एंड हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स की फ्री ट्यूशन ये ट्यूशन देने लग गए बच्चों को पढ़ाने लग गए फ्री में एंड ऑस्कर गॉड इंडिविजुअल डोनर टू स्पॉन्सर हिज फुटबॉलर्स और अपने फ़ुटबॉलर के लिए इंडिविजुअली इन्होंने कई सारे हेल्प भी प्राप्त हुए इन्हें प्राप्त हुए और जिससे इन्होंने जैसे भी कर कैसे भी करके इन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया आगे क्या होता है इनका जो रूल था वो ये था देव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड स्टे देयर इनका एक रूल था कि जो बच्चे इनके पास आते थे संगठन में आते थे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे प्रशिक्षण लेने आते थे वो क्या करें वो स्कूल को रोज रेगुलरली अटेंड करें एंड वहाँ पे ये रहे स्कूल में रहे तभी तो ये लोग एजुकेशन लेंगे और तभी इनको फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और वो जैसे कि पहले जो बच्चे भागा करते थे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे वो ऐसा ना रहे एंड अशोक का एक पॉइंट था वो ये था Oscar doesn't वांट जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स वी वांट गुड ह्यूमन beings. इनका एक पॉइंट था कि जो ऑस्कर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेट फुटबॉलर फुटबॉल प्लेयर नहीं चाहते हैं कोई महान फुटबॉल प्लेयर नहीं चाहते हैं बल्कि ये क्या चाहते हैं वी वॉन्ट गुड ह्यूमन बींग्स हम ये चाहते हैं कि अच्छे हों मीन्स अच्छे मानव हम चाहते हैं सो ये कहते थे वी वॉन्ट गुड ह्यूमन बींग्स हम अच्छे मानो चाहते हैं सिर्फ़ अच्छे फ़ुटबॉलर नहीं हमें अच्छे इंसान भी चाहिए सो so, ये इनका एक पॉइंट था अब पाँच वर्ष बाद यानी आज वो बताते हैं कि 150 जो बॉयज़ हैं कहाँ से अम्बेडकर नगर एंड टू नेबरिंग स्लम कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशंस फुटबॉल प्रोग्राम अब जो है पाँच साल बाद 150 लोग जो कि कहाँ से अम्बेडकर नगर और वहाँ के नियर बाई नियर जो नेबर है नेबरिंग स्लम कम्युनिटीज़ है वहाँ से 150 बच्चे आए हुए हैं जैसे पहले के जो बच्चे थे वो यहाँ नहीं आते थे मींस वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे छोड़ देते थे और कई सारी चीज़ें करते थे जैसे चोरी वगैरह नशा वगैरह अब उनमें से एक बच्चे आए हुए थे एंड वो एक पार्ट थे ऑस्कर के पार्ट थे ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम के एक पार्ट बन गए थे एंड थ्री टाइम्स इन अ वीक टू एक्साइटिंग आवर्स टू कोचेस अब जो है सप्ताह में तीन बार एंड दो एक्साइटिंग आवर में दो दो कोचेस हैं दो प्रशिक्षक हैं वो इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं एंड इस तरह से जो बच्चे हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं काफ़ी अच्छे से एंड आगे क्या होता है इन 2009 2009 में जो अशोक है वो सी एन एन आई बी एन रियल हीरो का पुरस्कार ये जीत जाते हैं एंड इन्हें केस प्राइज भी मिलता है कैश प्राइज़ आफ्टर टैक्सेस टैक्स के बाद इन्हें तीन लाख पैंतालीस हज़ार एंड थ्री पॉइंट फोर फाइव लाख रुपये मिलते हैं और प्राइज़ भी सो so इन पैसों का ये क्या करते हैं इन पैसों का वो इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में एंड ऑस्कर फाउंडेशन के लिए एंड इसके साथ साथ वो इन्हें एक ट्रस्ट से रजिस्टर करते हैं एक ट्रस्ट के तौर पे इन्हें रजिस्टर भी करते हैं ताकि ये काम आए एंड ये परचेज़ करते हैं कंप्यूटर परचेज करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर भी सीखे एंड कुछ कुछ फ़ुटबॉल इक्वमेंट भी खरीदते हैं और एक तरह से ये रेंट के लिए एक रूम भी किराए पर ले, ले लेते हैं ताकि जो बच्चे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लें अच्छे से एंड अब जो है लगभग 20 गर्ल वहाँ के आसपास की जो 20 गर्ल हैं पहले तो सिर्फ बॉयज़ आ रहे होते हैं अब 20 गर्ल भी आ रहे होते हैं और जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष की थी और जो गर्ल्स है वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे होते हैं ताकि वो भी फुटबॉल प्लेयर बन सके सो so, इस तरह से इनकी जो कोशिश है वो ये है कि ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी आगे बढ़े जो स्लम एरिया जो कि बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो अपना स्किल डेवलप करे वो सफलता की ओर आगे बढ़े अपना एजुकेशन की ओर वो आगे बढ़े साथ ही साथ सांस वो फ़ुटबॉल को अच्छे से खेले और फुटबॉल हमारे देश के लिए एक तरह से अच्छा सा गेम है और उस गेम में भी आगे बढ़े और इसीलिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की और इनकी जो कोशिश है वो अभी भी जारी है सो so, इस तरह से आज का जो लेसन है वो इन्हीं के बारे में है अशोक के बारे में यानी अशोक अस, के बारे में अशोक राठोर्ट्स फुटबॉल ऑस्कर कैसे और किस तरह से उन्होंने ऑस्कर का निर्माण किया ऑस्कर एक संगठन है और इस संगठन का उद्देश्य क्या है इस उद्देश्य में ये काफी अपना हाथ बटा रहे हैं साथ ही साथ कई एन इनका साथ दे रहे हैं ताकि जो इस्लाम मेरे के जो बच्चे हैं जो पिछड़े बच्चे हैं वो एजुकेशन की ओर फोकस करे वो फुटबॉल की ओर फोकस करे सो so, आज का लेशन जो है वो समाप्त हुआ आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू